हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक छोटा सा इक्वेशन है। जैसा कि यहाँ पर इक्वेशन देख रहे हैं स्क्रीन पर, रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इक्वल टू थ्री, सो फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स दिस इक्वेशन इज करेक्ट। हमें यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है, आइए देखते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन जो दिया गया, रूट ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स इक्वल्स थ्री। अब इसको क्या करते हैं, पहले यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू थ्री रूट एक्स, थ्री इंटू रूट ऑफ एक्स दैट इज थ्री रूट एक्स, रूट ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू थ्री रूट ऑफ एक्स। ऐसा नहीं कि ये इक्वेशन दिया गया है तो हम सबसे पहले इसको स्क्वायरिंग कर दें, रूट हटाने का प्रयास करें, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर करोगे तो क्वेश्चन ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और भी डिफिकल्ट होगा सोल्यूशन लाने में, और भी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो इससे बेस्ट है, इससे अच्छा है कि यहाँ पर क्या करना है, जैसा मैंने यहाँ पर मेथड दिया, सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है, तो रूट ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू थ्री रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पर एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती है, वो देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रूट एक्स को हम चलते हैं लेकर राइट हैंड साइड में, यहाँ पर सिर्फ वन बचेगा, वन इक्वल टू थ्री रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पर भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों को प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ थ्री रूट एक्स है, यहाँ वन रूट एक्स, वन रूट एक्स है, इसको सपोज कर लो कि जैसे हमारे पास थ्री एप्पल्स हैं और यहाँ पर वन एप्पल है, थ्री एप्पल है, एक एप्पल हमने खा लिया, एक एप्पल बच्चों ने खा लिया, तो बचेगा कितना, टू एप्पल्स, तो यहाँ पर थ्री रूट एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स, तो इस तरह से यहाँ पर आता है टू रूट ऑफ एक्स, दिस इज वन। अब एक्स के वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसमें स्क्वायरिंग कर देना है कि स्क्वायर ऑफ वन इक्वल टू टू रूट ऑफ एक्स। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो इसका रेडिकल पावर है, रेडिकल है, ये हटाना है, तो होल स्क्वायर कर देना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वन का भी स्क्वायर कर दिया, टू रूट एक्स का भी होल स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर ऑफ वन, वन इंटू वन तो वन ही रहेगा, इक्वल टू यहाँ पर टू इंटू टू फोर हो जाता है, और रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स ये कितना होता है, देखिए रूट ऑफ एक्स इसका जो मीनिंग है ये होल स्क्वायर है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो रूट ऑफ एक्स की मीनिंग होती है एक्स रेज टू वन अपॉन टू, और इसका भी है होल स्क्वायर, तो जैसे हम यहाँ पर इंडाइसिस की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, एक्स रेज टू वन अपॉन टू इंटू टू, ये पावर इंटू पावर हो जाता है, यहाँ से टू टू गेट कैंसल, तो वैल्यू क्या आती है एक्स ओनली, तो हमारे पास सिर्फ एक्स बचता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर फोर एक्स आ जाएगा, ठीक है, फोर एक्स आ गया, तो ये तो इतना अपना है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब ये फोर एक्स है, ये यहाँ पर वन है, तो एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है, तो क्या करना है इसके बाद, यहाँ फोर को इस साइड ट्रांसफर कर लेना है, तो ट्रांसफर करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वन अपॉन फोर इक्वल टू एक्स, इसका मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, वन अपॉन फोर है, तो एक्स इज वन अपॉन फोर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसी तरह से और भी बहुत से अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।